हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से लेके आ गया हूँ मेड इन इंडिया एलईडी दिवाली लाइट्स वगैरह, जो बेसिकली विप्रो की ब्रांडिंग के साथ आता है। तो इसी की अनबॉक्सिंग वगैरह करूंगा, रिव्यू वगैरह करूंगा, प्राइसिंग वगैरह बताऊंगा, अरे बताऊंगा क्या इस मेड इन इंडिया दिवाली लाइट्स को परचेज वगैरह करना चाहिए कि नहीं। चले फिर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जैसे बताया स्टार लाइट है, मेड इन इंडिया है और विप्रो की ब्रांडिंग के साथ आता है, तो फुल्ली मेड इन इंडिया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वगैरह होगा वीडियो। तो फटाफट लाइक वगैरह नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लेना, उसके बगल में बेल आइकन को उसे भी इनेबल कर देना। तो चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बॉक्स पैकिंग की बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विप्रो की ब्रांडिंग की गई, ग्रेनेट की ब्रांडिंग की गई, जो इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पे कोई स्टार फेस्टिव लाइट की ब्रांडिंग की गई है। इसकी डिटेल्स वगैरह की बात करते हैं, यहाँ पे तीन मीटर का लेंथ वगैरह मिल जाएगा। काफ़ी बॉक्स पैकिंग देखने में काफ़ी सही से लग रहा है, काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। एक चीज़ काफ़ी और अच्छा लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको देख पा रहे हो क्लियरली मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग की गई। तो ये चीज़ देख के ना काफ़ी ज़्यादा अंदर से फ्रॉड वाली और काफ़ी अच्छी वाली फील आती है, क्योंकि इंडियन ब्रांड है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है और दिवाली लाइट है, जो इसके लिए हमेशा मेड इन चाइना ही आता था। इसको देख कर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों देर न करते हो, फटाफट इंतजार हो नहीं रहा मुझसे, बॉक्स पैकिंग ओपन वगैरह करते हैं, सारी ब्रांडिंग देखी गई है, क्या क्या फीचर्स है जो आगे मैं सारी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर ओपन वगैरह करते हो, यहाँ से देखते ओपन करता हो तो सिंपल से बॉक्स पैकिंग में कुछ नहीं, थोड़ा बड़ा सा लेकिन सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल एक ही चीज़ रखा मिल जाता है। ये है मेड इन इंडिया दिवाली लाइट, जिसकी स्टार लाइट की ब्रांडिंग है, स्टार लाइट के साथ होता है। इसमें आपको देख सकते हैं वाइट कलर में फुल्ली ट्रांसपेरेंट बिल्कुल के साथ आता है, जहाँ पे आपको काफ़ी देखने में इंटरफेस की बात करो इसकी तो मेड चाइनीज लाइट्स की तरह लग रहा होगा, लेकिन ब्रांड के साथ आता है। विप्रो की ब्रांडिंग रखी गई तो देख पा रहेंगे कंट्रोल बटन दिया गया, जिसमें आपको सारे 8 डेमिनेशन वगैरह मिल जाएगा, 8 तरीके से इसका कलर डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं, जिसका नाम वगैरह भी सारे मेंशन किया गया है। तो ये चीज़ें काफ़ी सही से देखने में लग रही है। जहाँ पे इसका प्लग है दोस्तों, ये भी ट्रांसपेरेंट है, बिल्ड ऑफ फिनिशिंग से आपसे बाहर से नहीं लगा देखने में कि मेड इन इंडिया है या नहीं, क्योंकि बिल्ड ऑफ फिनिशिंग सेम सी रखी है, लेकिन जैसे बताऊँ जो मटेरियल यूज़ किया जाता है काफ़ी सही यूज़ किया जाता है, काफ़ी मतलब अच्छा होता है, तो काफ़ी अपने आप में काफ़ी यूजफुल होता है, तो काफ़ी सही होता है। जहाँ पर आपको इस लेंथ की बात करूँ, जैसे बताया दोस्तों तीन मीटर का लेंथ है, दो स्टार है छोटे छोटे, स्टार एक है और एक है वो अप डाउन में आके लगेगा, एक ऊपर एक नीचे स्टार वगैरह लगेगा, तो एक काफ़ी सही चीज़ वगैरह कर पाएंगे। जहाँ पे वो सबसे पहले बताऊँ जैसे वायर की क्वालिटी की, तो वायर की क्वालिटी इंप्रेसिव लग रही, देखने में काफ़ी सही लग रही है। ए टू जेड बताऊँ दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी जैसे बताया सेम सी है, लेकिन जैसे बताऊँ यूज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले। काफ़ी मैं एक हफ्ते के आसपास मेरे पास पहले आ गया था, मैं एक हफ्ते से यूज वगैरह कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको काफ़ी सही लग रही है। जहाँ पे इसकी भी मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग की गई, तो काफ़ी सही है, काफ़ी मेरे हिसाब से यूजफुल है। जिसको एक बार मैं इसको लाइट अप वगैरह करता हूँ, फिर दिखाता हूँ इसमें आपको कैसी रोशनी वगैरह देखने के लिए मिलती है। तो चलिए फिर दोस्तों मैंने इसको फिलहाल प्लग इन वगैरह कर दिया, लाइट वगैरह जल रहा है। इसमें ऑप्शन की बात करो दोस्तों तो 6-7 ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा। मेरा फेवरेट मोड जो है बेसिकली वो है, उसकी बात करो तो बेसिकली मेरा फेवरेट बताऊँ आपको तो मेरा फेवरेट ये वाला, जो काफ़ी सही लग रहा है हर घर में, आप दिवाली में देखेंगे तो ये वाला मोड वगैरह जलता हुआ मिलेगा, जो काफ़ी मेरे हिसाब से सही है। इसके दोस्तों मुझे एक चीज़ ये देखने में लग रहा, अगर देखते हैं यहाँ पे आपको लाइट वगैरह देखते हैं प्योर वाइट लगता है, ये वाला लाइट वगैरह देखेंगे स्टार वाला तो वॉर्म वाइट लगता है मुझे देखने में लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्या मुझे ही ऐसे लग रहा है। अब बात करो दोस्तों इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग मेरे हिसाब से 700 रुपये के आसपास प्राइसिंग मैंने अमेजोन से परचेज किया, वारंटी वगैरह मिल जाएगी और मेड इन इंडिया विप्रो की ब्रांड के साथ आता, वो भी मेड इन इंडिया ब्रांड है, तो ये काफ़ी संतुष्टिफुल और काफ़ी मतलब हैप्पीनेस देने वाला ये चीज़ है। क्योंकि ज़्यादातर हम दिवाली में जैसे बताऊँ हम चाइनीज लाइट यूज करते थे, इस बार फुल्ली स्टार के साथ मेड इन इंडिया लाइट देखने के लिए मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही दोस्तों। मैं इसके लिए पर्सनली यूज वगैरह करने वाला हूँ, और ही मैंने जैसे बताया लाइट्स वगैरह मंगाए हैं जिसकी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक वगैरह दे दूंगा, जो काफ़ी मेड इन इंडिया स्टीप एलईडी लाइट वगैरह वो काफ़ी सही है, तो उसको देख पाएंगे। चलिए फिर दोस्तों अगर परचेज करना चाहेंगे तो अमेजोन से परचेज किया, लिंक वगैरह मिल जाएगा। फुल सपोर्ट दोस्तों चाइनीज लाइट परचेज करने से ज़्यादा इसको परचेज कीजिए, इसकी जो लाइफ होती है उससे प्राइस थोड़ी महंगी होगी, 200-300 रुपये में 400 रुपये मिल जाएगा, इसको 600-700 रुपये मिल जाएगा, लगभग डबल का हो जाएगा। जो इसकी लाइफ होने वाली वारंटी तो मिल जाती है, उनमें वारंटी नहीं मिलती, वारंटी मिलती है, तो इसकी जो लाइफ होगी काफ़ी ज़्यादा होगी, 3-4-5 साल अच्छे से यूज कर पाएंगे। अगर आप कट वगैरह नहीं लगाते, आप डैमेज वगैरह नहीं करते, तो लाइफ जो होगी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली, और मेड इन इंडिया है तो ये भी ज़्यादा काफ़ी यूजफुल और काफ़ी अच्छा होने वाला। तो चलिए फिर दोस्तों अगर परचेज करना चाहेंगे तो लिंक वगैरह मिल जाएगा, और जैसे बता दोस्तों और ही मैंने रिसेंटली लाइट वगैरह यूज किया है मेड इन इंडिया, स्ट्रिप लाइट है, नॉर्मल दिवाली लाइट लड़ी वगैरह होती है वो सब उनकी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक दे दूंगा वहाँ से देख पाएंगे। जो मेड इन इंडिया परचेज कीजिए, मैं तो फुल्ली सपोर्ट करता हूँ मेड इन इंडिया को, आप भी सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या आपको भी सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं। चलिए फिर दोस्तों आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।